सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं एक गेम की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो है माइनक्राफ्ट। तो इस गेम को मैं आज पहली बार खेलूँगा इस चैनल पे। वैसे मैंने पहले गेम खेल लिया बहुत बार। तो लेट मी टेक यू ऑन द स्क्रीन, टिल देन वॉच द इंट्रो। तो फ्रेंड्स, अब जो है आप मेरी स्क्रीन को अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो मैंने जस्ट अभी ये नया वर्ल्ड बनाया है, तो इसको थोड़ा लोड होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो है आप देख पा रहे होंगे कि हमारा वर्ल्ड जो है लोड हो चुका है। तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं ताकि अच्छे से सारा कुछ क्लियरली दिख पाए। तो अब मुझे लगता है हमारा वर्ल्ड खेलने के लिए रेडी है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला मेरे को लगता है काम ये होता है माइनक्राफ्ट में कि सबसे पहले लकड़ियाँ तोड़ो, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें बन पाती हैं। तो चलिए पहले वही करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो है काफ़ी लकड़ियाँ हमारे पास इकट्ठी हो चुकी है। तो चलिए इनके फटाफट हम प्लैंक्स बनाते हैं। उसके लिए पहले हमें अपनी इन्वेंटरी खोलनी पड़ेगी। और ये काफ़ी सारे प्लैंक्स जो है मेरे पास आ चुके हैं। अब इनसे क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे। उससे पहले स्टिक्स भी ज़रूरी होती हैं, तो वही बना लेते हैं क्योंकि मैं अपना घर जो है वो ट्री हाउस पर बनाने वाला हूँ। और जो ट्री हाउस है उस पर चढ़ने के लिए हमें लेडर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लेडर्स बनाने के लिए हमें स्टिक की ज़रूरत भी पड़ती है, इसलिए मैंने स्टिक्स बनाई है बहुत सारी। तो अब मैंने स्टिक्स और क्राफ्टिंग टेबल और प्लैंक्स तो बना लिए हैं। और अब बारी आती है हमारा बेड बनाने की। तो बेड बनाने के लिए मुझे वह शीप्स ढूँढनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बेड बनाना है तो 3 शीप्स को किल करना पड़ेगा। उसके लिए शीप्स ढूंढते हैं। चलो, सो फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद मुझे जो है फाइनली शीप मिल चुकी है और इसको अब मैं मारने वाला हूँ। और इससे हमें एक वुलन ब्लॉक मिलेगा और हमें कुछ खाने का भी मिल सकता है इससे। तो फटाफट से इसे मारते हैं। बट मेरे पास स्वॉर्ड या फिर एक्स नहीं है इसे जल्दी मारने के लिए, इसीलिए मैं स्टिक से मार रहा हूँ अभी। बहुत जल्द मेरे पास वो भी होगी। और हाँ, कोई ऐसी वैसी स्वॉर्ड नहीं, तुम्हारा भाई नेदरराइट की स्वॉर्ड लेगा और प्रो बनेगा। और फाइनली जो है ये शीप मर चुकी है और मुझे मिल चुका है एक वुलन ब्लॉक। तो फटाफट से 2 शीप्स और ढूंढते हैं ताकि हम रात को भी सरवाइव कर पाएँ इस जंगल में। और फ्रेंड्स, अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, वो आपको दिख गया होगा। सन जो है बिल्कुल ऊपर है और इस गेम में जो है सन भी स्क्वायर की शेप में है। तो जल्दी जल्दी शीप ढूँढ रहा हूँ मैं अभी। और भाई, ये तो मैंने जितना सोचा था ना, ये तो उससे मुश्किल निकला। तो अब जो है मैं कुछ खाने का ढूंढूंगा, उसके बाद हम शीप्स को ढूंढेंगे। क्योंकि अगर मैं शीप को ढूंढने में रह गया तो मैं खाने को भूल जाऊंगा, इसीलिए मैं अभी इस पिक को मार रहा हूँ। और ये फंस चुका है और निकल गया। ओके, मिल गया हमें खाना। अभी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा शीप्स को ढूँढने में।
A few moments later. तो फ्रेंड्स अब जो है फाइनली मुझे बहुत सारी वूल मिल चुकी है और ये मैंने जैसे तैसे करके इकट्ठी करी है और अब मैं इससे बेड बनाने वाला हूँ ताकि मैं सो पाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ी देरी बची है रात होने में और रात तो वैसे हो ही चुकी है क्योंकि सूरज जो है ढलने वाला है, वो देखिए सनसेट, सनसेट तो नहीं अब तो चला ही गया, अब सोते हैं, गुड नाइट। The next day. सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। नहीं वीडियो तो वही है बट हमने जो है एक नई सुबह से शुरुआत करी है। तो अभी मुझे सामने एक स्केलेटन दिख रहा है, अब मैं उसके पास जाने वाला हूँ। पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बट मुझे चाहिए हड्डियाँ ताकि मैं एक जो है डॉग को पाल सकूँ। डॉग नहीं होता इसमें, वुल्फ होता है, वुल्फ। तो उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। और ये क्या है, क्या ये केव है? अरे इतनी बड़ी केव, अरे ये पीछे से किसने मारा मुझे? अच्छा यही है ये। अरे भाई मुझे तेरे पास आना था, तुझे मेरे पास नहीं। रुक जा भाई, मत मार मत मार भाई, लाइफ नहीं बची। अरे यार अबे मार दिया, अब मुझे फिर से इस जगह ढूंढना पड़ेगा। तो फिर से तलाश में चलते हैं उस जगह की, और मैं फिर से वहीं पे आ गया दोबारा से। मेरे को लग रहा है वो जगह वापस नहीं मिलने वाली, इसीलिए अब मैं दोबारा से लकड़ियाँ तोड़ना स्टार्ट करूँगा। अब मुझे फिर से बेड के लिए वूल इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो चलो फिर से यही काम करेंगे। अरे भाई इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है और यहाँ एकदम से मौसम भी चेंज हो गया, बारिश इतनी तेज आनी स्टार्ट हो गई और शायद नीचे ही हमारी केव है और हम उस जगह को वापस ढूंढ चुके हैं। और अब मैं अपना सामान वापस लूँगा, शीप, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना इतनी सारी वूल्स इकट्ठी हो गई थी। तो जल्दी जल्दी से मैं उस जगह पर पहुँचता हूँ, यहाँ पे फिर से वो स्केलेटन ना घूम रहा हो, नहीं तो हमें फिर से मार देगा वो। हमारे पास वॉर्ड या फिर एक्स कुछ भी नहीं है टूल में, तो वो रहा मेरा सामान। और अब मैं इसको फटाफट उठाने वाला हूँ और अपना घर बनाऊँगा। जैसे मैंने आपको पहले मैंने बताया बताया कि मैं ट्री हाउस बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं अच्छा सा एक ट्री ढूँढूँगा ट्री हाउस बनाने के लिए जो लंबा सा हो। तो उसके लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे हमें वॉल्स वगैरह बनानी है तो उसके लिए भी काफ़ी सामान रिक्वायर्ड होएगा। तो सब आज की वीडियो में सिर्फ मैं वॉल्स बनाऊंगा उस घर की, और इतनी वीडियो रहेगी मेरी आज। तो फ्रेंड्स आखिरकार बहुत देरी के बाद हमें एक पेड़ मिल चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। और अभी से तोड़ते हैं फटाफट, नहीं मैं तोड़ क्यों रहा हूँ, एक मिनट, इस पर तो लैडर लगानी है। चलो लैडर लगाओ, पहले बनानी भी पड़ेगी, उसके लिए पहले हमें क्राफ्टिंग टेबल चाहिए, उसको हम साइड में लगाते हैं। और क्राफ्टिंग टेबल लग चुका है, इस पर से हम जो है लैडर क्राफ्ट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी सारे लैडर क्राफ्ट करते हैं और इस पे लगाएंगे अब हम। और मुझे लग रहा है पेड़ बहुत छोटा है, इसके अंदर मैं पूरा अच्छे से फिट नहीं आ पाऊँगा फिर भी, लेकिन मैंने क्राफ्टिंग टेबल गलती से लगा दिया यहाँ, इसे इग्नोर करना। तो फटाफट से लेडर लगाना स्टार्ट करता हूँ मैं, और जैसा मैंने सोचा था ये पेड़ वैसे निकला, बहुत छोटा है तो इसमें फिट भी नहीं आऊँगा मैं। तो अगला पेड़ जो है हम अगली वीडियो में ढूंढेंगे, तो इस वीडियो में इसी पेड़ में काम चलाएंगे।
तो इसे हमें प्लेन भी करना पड़ेगा, इसकी वॉल्स भी बनानी पड़ेंगी। फटाफट से करते हैं वो। चलो यहाँ बेड लगाते हैं। अरे हाँ, एक और चीज़, बेड तो लगा ही नहीं सकते हम, पत्ते के ऊपर बेड नहीं लगता। चलो फिर हम वॉल्स क्राफ्ट कर रहे हैं अभी, जल्दी जल्दी करेंगे। फ्यू, तो फाइनली जो है हमारा घर बन चुका है। और अब जो मैं इसकी छत नहीं बनाने वाला, क्योंकि फ्यूचर में हमें तोड़ना पड़ सकता है, तो मुझे कमेंट में बताना कि हमारा ये घर कैसा लगा। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है आपको इस वीडियो में ज़रूर मज़ा आया होगा। तो अगर आपको कुछ इसमें इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।